हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टू एंड मिस्टी। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के, दिखाता हूँ कितना टाइम हो रहा है। वैसे तो उल्टा दिखेगा क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ। 5:30 होने वाला है। हो अंकुश भाई के घर पे हम लोग रात को निकलने वाले थे 1 बजे के आसपास। हमने प्लान ये किया था कि हम शाश्वत भाई के घर से आएंगे और यहाँ गोपालगंज में मिथुन भाई का घर है, यहाँ रात को 1-2 घंटा आराम, 1 घंटा आराम करेंगे, है ना। तो खाना वाना खा के थोड़ा आराम करके निकल जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे 10:30 बजे के आसपास पहुँच गए थे। खाना वाना खाते खाते 11:30 हो गया था हमें। तो हमने सोचा कि हम 12 बजे निकलने वाले थे, फिर हमने सोचा कि 1 बजे निकलेंगे। 1 बजे का अलार्म भी लगाया था मैंने, लेकिन वो अलार्म बजा ही नहीं। फिर सुबह उठ कर देखा भाई तो 5 बज रहा है एकदम, और इतना मतलब 3 घंटे लेट ऑलमोस्ट हो चुके हम लोग। अगर हम लोग 1 बजे निकलते तो हम लोग 12 बजे के आसपास पहुंच जाते, 11-12 के आसपास। लेकिन अब हम पहुंचेंगे 3-4 बजे के आसपास, है ना। तो चलते हैं अभी फ्रेश होते हैं। हम लोग फ्रेश भी नहीं हुए, सीधा निकल गए भाई। हाँ, अभी वॉशरूम पे रोकना है बाहर, कोई ढाबे पर या कोई पेट्रोल पम्प दिखेगा वहाँ पर। और मिस्टी जो सोई है ना रात को, मुंह जो सुझाया इसने अपना, पूरा आंखें सुझा लिया। कह रही है कूलर में सोने से मुंह सूज जाता है। गाड़ी में भी खूब सोई, गाड़ी में भी खूब सोई भाई। सबसे ज्यादा कोई सो के आया है इस ट्रिप में तो वो मिस्टी ही है भाई। सो गाइस, अभी हम रुके हुए थे ढाबे पर फ्रेश होने के लिए। फ्रेश तो हो लिए है और चाय वगैरह हम पीते नहीं, तो हम पीछे चाय तो पीते नहीं है ना। चाय पी के वही स्किन पर प्रॉब्लम होती है। एक वो ले लेना उल्टे की गोली, ठीक है। नहीं होगा उल्टे, तुमको फिर भी एक ले लेना, चुंगम वगैरह ले लो। वो पर्स में खुले पैसे सब निकाल, माउथ फ्रेश हो जाएगा, पकड़ में लेकर। गाइस हम लोग और यूपी में एंटर कर लिए हैं। यूपी बड़ा पास है मेरे भाई के घर से। तो बोलो, वो डब्बा खोलो आगे का। तो गाइस अभी बचा है अंकुश भाई का घर करीब 456 किलोमीटर्स, और हमारा अराइवल टाइम दिखा रहा है 3:16। और हम लोग कितने घंटे में पहुँचेंगे वही दिखा रहे हैं, 6 घंटा 35 मिनट लगेगा जाने में। फिलहाल कैमरा गंदा हो गया, साफ कर दो। सो गाइज, मिस्टी पीछे बैठी हुई है। ओए मिस्टी, हाँ बताओ क्या? ऐसे कुछ भी बताओ, ऐसे टाइम पे ऐसे चीज। वैसे तुमने खूब रास्ते में सो सो के आई हो भाई तुम, है? सुन लिया, अभी नींद क्यों नहीं आ रहा तुमको? अभी नींद का टाइम, तुम पीछे आ जाओ तो फिर मैं थोड़ा देर सो जाऊंगा। कहाँ पीछे? गोदी में। हाँ तो काजल को आगे आना पड़ेगा ना, काजल खुद सो रही है। मानसी को उठ जाने दीजिए। हाँ मानसी उठ जाएगी उसके बाद। तो गाइस अभी हम रुके हुए थे चाय वगैरह पीने के लिए। वैसे मैं तो चाय नहीं पीऊंगा, नितिन भाई भी नहीं पिएंगे चाय, नहीं पियोगे ना? मैं कोल्ड ड्रिंक, ये कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। मिस्टी भी चाय नहीं पिएगी, बट लेकिन बोल रही है अभी थोड़ा सा पी लेती हूँ। मैं बोल रहा हूँ पिंपल्स वगैरह निकला है चेहरे पे, मत पिया करो ये सब। पीता नहीं हूँ बट मेरे को ना सर दुख रहा है ना, वो पिंपल खड़ा हो गया। कोई नहीं, अब घर जाएंगे तो। वैसे काफ़ी दिन होगा मैं बर्फ़ वगैरह लगाती हूँ ना, तो गर्मी से बर्फ़ वगैरह रगड़ नहीं रही तो गर्मी से ना और ज़्यादा हो रहा है। अभी इतना लंबा ट्रैवल किया ना, अब डॉक्टर के पास दिखाना है पड़ेगा, डर्मेटोलॉजिस्ट जो भी होता है। तुमको तो मैं बोलता हूँ दिखाने के लिए। तो यार दिखा लो, तुम नहीं जा सकती दिखाने के लिए, तुम मेरे भरोसे मत रहती ना, तुम नहीं जा पाती। तुम बताओ क्या दिखाओगे, कुछ हो जाएगा फिर। अच्छे डॉक्टर, मैं कहता हूँ अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, ऐसे किसी के पास ही मत चले जाओ। कुछ भी नहीं है। तो कैसे भैया, मैंने ऑर्डर किया है चाउमीन, है ना, चाउमीन हाफ ऑफ प्लेट चाउमीन खाएंगे। और वॉशरूम वगैरह देखो, जिसको जाना है जा सकता है। मिथुन भाई को वॉशरूम जाना था, मेरे को भी वॉशरूम जाना है, मिस्टर को भी जाना है। खा पी के आराम से वॉशरूम करके फिर निकलेंगे यहाँ से। 300 कुछ किलोमीटर रह गया हमारा। कार्तिक से बात कर लेते हैं वीडियो कॉल पे, है ना। हाँ कार्तिक से बात करेगा, पता होगा। तो वैसे हमारा चाउमीन आ गया, पहली बार हम लोग ऐसे हाईवे पे चाउमीन खा रहे हैं, है ना। तो अभी देखते हैं टेस्ट कैसा करते रहते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है ना, है ना। क्या आ गया मुँह में?
तो अभी कैसे हम लोग जस्ट एसी के सामने बैठे हुए हैं, देख लो भाई बगल में ये मेरे पिछवाड़े पे ठंडे ठंडा हवा लग रहा है मस्त। और बहुत टाइम बाद मैंने किया व्लॉगिंग, और ना अब मेरे को ना अपना दवाई भी लेना है। क्या उल्टी का? नहीं हो रहा उल्टी। चलो फिर भी नहीं, अब नहीं होगा। अब देखो ऐसे लगभग तुम 1000 किलोमीटर तक बैठ गई, अब क्या कहे ही उल्टी होगा। अब बस सेंटर प्रेस होना चाहिए हमारे पास है। और अभी कार्तिक से ही बात किया, बाकी अभी हम लोग निकलने वाले हैं थोड़ी देर में, तो थोड़ा फ्रेश व्रेश हो जाते हैं हम लोग, जाओ जल्दी। और ऐसे शक्ल मेरा कितना अच्छा लग रहा है ना, बट सामने से देखोगे ना तो बहुत 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 गंदगी हो रखा है शक्ल में। स्क्रब लेते हुए चलना, मेरे को स्क्रब भी करना है क्योंकि ये जो है ना सारे घमोरी हो गए इतना दूर मेरा पूरा, और वाइट हेड्स ब्रैकेट्स हो गए, तो ये पूरा खुरदुरा सा हो गया एकदम। तो अभी चलते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे। तो खाना पीना हो गया गाइस, अभी हम लोग ये छतरी के नीचे बैठे हुए थे छोटे से टेंट पर, और अब चल रहे हैं हम लोग आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए। चलो चलिए अभी चलते हैं। बस तो अभी गाइस अभी देखो कैसे मिस्टिक लेटी कैसे है, पहले ये देखो आप एक बार, ये फुल रास्ते में ऐसे ही आई है ये। यस अभी मैं पीछे आया, मैं आगे बैठा हुआ था तब ये अपने साइड में एकदम ऐसे सिकुड़ के लेटी हुई थी, मैं पीछे आ गया तो मेरे गोदी में सर रख के लेटी हुई है। मेरा ये वाला हाथ बहुत दर्द हो रहा है जिससे मैं व्लॉगिंग कर रही हूं, जिस मतलब इस वाले हाथ बहुत दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा दर्द वो तो बताओ। ये नहीं सूझा, ये मेरा हाथ फूल गया यहाँ पे, क्योंकि ना जब मैं होटल में सोई थी ना तो ये हाथ मेरा ऐसे अंदर की तरफ मोड़ के सोई थी, तब से अपने बॉडी के नीचे दबा लिया हुआ तुमने सो गया है ना, तब भी ये दर्द हो रहा है। बाकी अभी हम लोग, मेरे को खुशी हो रहा है कि मैं चलो परसों कार्तिक से मिल लूँगी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं हम लोग दोनों, है ना। काफ़ी टाइम हो गया लगभग 10 दिन होने वाला है। दस दिन होने वाला है। नहीं 9 जून तुम घर पहुँच जाएंगे, 10 दिन कहाँ से होने वाले, जोड़ लो जो भी हो 9 दिन। और हम लोग इससे पहले जब झारखंड गए थे तब हम लोग 1 हफ्ते के लिए गए थे, है ना। अब तो पता नहीं कार्तिक पहचानेगा कि नहीं। क्यों नहीं पहचानेगा, मतलब वो तुम माँ हो उसको कैसे नहीं पहचानेगा। नहीं वो तो है, बाकी अभी थोड़ा ना मेरे को फ्रेश होना है। आप गाइस हमारा डिस्टेंस रह गया है कितना, 234 किलोमीटर रह गया डिस्टेंस, और लगभग हमारा अभी 3 घंटे में हम पहुंच जाएंगे डेस्टिनेशन। सामान भरा हुआ इधर हमारा, ऊपर तक सामान है गाइस, इसमें हमारा गिफ्ट इतना है ना, इतना गिफ्ट है हमारा कि उस वो बारिश से मजा आ जाएगा। आएगा आएगा देखो। तो आगे मिथुन भैया गाड़ी चला रहे हैं, और गाड़ी गाइस काफी बढ़िया चला लेते हैं यार, मतलब मानना पड़ेगा मिथुन भाई को, बिलीव मेरे को बिल्कुल भी नहीं था, मिस्टर को पता नहीं बट मेरे को बिल्कुल नहीं था कि मिथुन भाई, मेरे को मतलब मुझे भी बिलीव नहीं था, लेकिन वीडियोस में देखता था, हम लोग देखते थे ना कि पटना जा रहे हैं, तो पटना जा रहे हैं कभी कहीं जा रहे हैं। मैं इनसे बोलती थी कि ये बोल रहे अब इतनी दूर चला लिया ना, अब ये कहीं भी जा सकते हैं गाड़ी चला। यस मैं वही कह रही हूँ कि मुझे मेरे घर तक भी छोड़ देना प्लीज। मस्का लगा रहे हो तो भी चलते हैं। अरे छोड़ देना मिथुन भाई। सो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। तो आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।